डिस्कस कर रहे थे कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बारे में। तो जैसा कि ये फिगर आपकी पहले भी देखी हुई है, तो वैलेंस बैंड की पोजीशन और कंडक्शन बैंड की पोजीशन अगेंस्ट द एनर्जी वो यहाँ प्लॉटेड है। एक इसमें एक और स्पेशल चीज़ एक प्लॉटेड है, वो है EF। एक ये कॉन्सेप्चुअल लेवल है, मतलब थ्योरेटिकली आपने इसको एक इसको बनाया हुआ है इस लेवल को। फिजिकली ये नहीं, ऐसा कोई लेवल होता नहीं है किसी सॉलिड में या किसी मटेरियल में, किसी एलिमेंट का खुद का कोई ऐसा लेवल होता नहीं। होगा जो लेवल्स होते हैं आप जानते हैं कि अगर न्यूक्लियस की तरफ से स्टार्ट करें तो शुरू के जो लेवल्स होते हैं वो फिल्ड होते हैं, लास्ट का जो होता है वैलेंस लेवल जिसे कहते हैं पार्शियली फिल्ड होता है, और उसके ऊपर एक आप लेवल कंसीडर करते हैं जिसमें कि इलेक्ट्रॉन अगर सफिशियंट एनर्जी पा जाए तो वहां जा सकते हैं और फिर इलेक्ट्रॉन के तौर पर कंडक्ट कर सकते हैं, उसे आप कंडक्शन लेवल कहते हैं। और इन अगर सॉलिड की बात करें तो चूंकि एटम्स दे आर क्लोज टुगेदर, बहुत पास पास हैं, तो वही लेवल्स बैंड का फॉर्मेशन दे देते हैं। तो वैलेंस बैंड हो गया, कंडक्शन बैंड हो गया। अब आप इसमें एक और लेवल आपने ड्रॉ कर रखा हो जिसे आप कह रहे हैं EF। ये क्या है? ये कॉन्सेप्ट है जो ये बताता है कि एट 0 डिग्री केल्विन जो इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम एनर्जी ऑक्यूपाई कर सकता है वो कितना हो सकता है, तो दैट इज द EF। तो मैक्सिमम एनर्जी ऑक्यूपाई कर सकता है। इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है कि इलेक्ट्रॉन EF के लेवल तक पहुंच सकता है? नहीं। आप जानते हैं कि सभी इलेक्ट्रॉन्स कहाँ रहेंगे ये पहले से फिक्स है, वो अपने लेवल में रह सकते हैं और किस लेवल में रहेंगे ये उनकी एनर्जी पे डिपेंड करता है। मैक्सिमम एनर्जी के साथ वो किस लेवल में रह सकते हैं, तो कहने के वैलेंस लेवल में रह सकते हैं जिससे कि ये वैलेंस बैंड बना है। तो फैक्चुअल बात तो ये है कि इलेक्ट्रॉन 0 डिग्री केल्विन में वैलेंस बैंड में ही रहेगा, ठीक है। थ्योरेटिकल बात क्या है कि एट 0 डिग्री केल्विन मैक्सिमम कहाँ तक रह सकता है, तो वो कहाँ पर है? वो EF। बट EF आप देख रहे हैं कि वो फॉरबिडन एनर्जी गैप के रीजन में पड़ रहा है, तो एक्चुअली वहां इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा। थ्योरेटिकली हम कहते हैं कि EF तक इलेक्ट्रॉन रह सकता है और EF के ऊपर कोई इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता एट 0 डिग्री केल्विन, ठीक। सो ये तो इसकी एक थ्योरी, उसकी कॉन्सेप्ट की बात होगी, फर्मी लेवल का मतलब क्या है। लेकिन हम फर्मी लेवल को किस तरह से समझें, तो किस एनालॉजी के साथ, किस चीज के साथ कंपेयर कर सकते हैं? तो मैंने आपको बताया था कि इसको आप एक बैलेंस पॉइंट की तरह से समझिए, बैलेंस पॉइंट बिटवीन टू थिंग्स, क्या इलेक्ट्रॉन एंड होल्स, उनके बीच का बैलेंस पॉइंट के तौर पर आप देखिए, है ना। तो आप देख रहे होंगे कि अभी फर्मी लेवल बीच में, इसका मतलब है कि जो भी इलेक्ट्रॉन है बैलेंस बैंड में है, कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो बैलेंस पॉइंट कहाँ पर है? वो बीच में है, EF में। इस वजह से आप एक एक्सप्रेशन लिखते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए EF इज इक्वल टू EC प्लस EV बाई 2। तो ये फर्मी लेवल बीच में क्यों है? क्योंकि जो बैलेंस पॉइंट है वो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में बिल्कुल बन रहा है, इस वजह से। बीच का मतलब एट मिड पॉइंट, इसलिए EF। यानी EF जो है बॉटम ऑफ द कंडक्शन बैंड EC, टॉप ऑफ द वैलेंस बैंड EV, इन दोनों के सम डिवाइड बाई 2 एवरेज के बराबर होगा, ठीक है। ये तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात हो गई। इसके बाद आपको याद होगा हमने एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात की थी, ये सब डिस्कस कर चुका हूँ, इसलिए तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ और यहाँ पर यहाँ इसको थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ पर फर्मी लेवल आप देख रहे होंगे कि खसक कर EC के करीब आ गई और काफी करीब आ जाती है, करीब 0.01 इलेक्ट्रोवोल्ट से भी कम आ जाती है। आमतौर पर मान लीजिए कि जर्मेनियम का अगर ये क्रिस्टल होता तो इसका जो एनर्जी बैंड गैप होता है वो 0.7 इलेक्ट्रोवोल्ट के आसपास होता है। और मैं यहाँ क्या कह रहा हूँ, 0.7 के हिसाब से इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में फर्मी लेवल कहाँ होता? दोनों के बीच में होता, ठीक है। लेकिन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में ये जो सेमीकंडक्टर जिसमें हम बात कर रहे हैं वो कौन सा है? वो एन टाइप सेमीकंडक्टर की बात हो रही है, जिसके अंदर की सॉरी पी टाइप सेमीकंडक्टर की बात हो रही है। नहीं, ये सॉरी, एक मिनट, या एन टाइप सेमीकंडक्टर की बात हो रही है, मैं थोड़ा गलत बोल गया। एन टाइप सेमीकंडक्टर की बात हो रही है क्योंकि इसमें डोनर लेवल है ना, इसकी एक और फिगर है उसमें पी टाइप की बात करेंगे। सो एन टाइप सेमीकंडक्टर में जो फर्मी लेवल है वो EC के बहुत ही क्लोज विसिनिटी में, बिल्कुल करीब आ जाता है, बीच में नहीं, EV और EC के बीच में नहीं, EC के करीब। ऐसा क्यों? देखिए अब क्या हुआ कि आपने उसके अंदर कुछ इम्प्योरिटी मिलाई। कैसी इम्प्योरिटी मिलाई? एन टाइप है, पेंटावेलेंट आपने मिलाई। पेंटावेलेंट जो आपने इम्प्योरिटी मिलाई तो कुछ उसके भी एटम्स आ गए, है ना, जिस माने फास्फोरस ही आपने मिलाया तो उसके कुछ एटम्स आ गए। अब उन एटम्स के भी अपने लेवल्स होंगे, इनर लेवल्स होंगे, फिर अब बाहर आते जाएंगे तो एक वैलेंस लेवल होगा उसका, फिर एक कंडक्शन लेवल होगा, ठीक है। तो
तो ये जो थिक से मोटे से बैंड फॉर्मिंग जो ड्रॉ जिसको आप कह रहे हैं वैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड, ये किसको बिलोंग करते हैं? ये ओरिजिनल सेमीकंडक्टर को बिलोंग करते हैं जिसके अंदर आप डोपिंग करने वाले, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल जर्मेनियम, तो ये जर्मेनियम के वैलेंस बैंड है, ये जर्मेनियम के ही कंडक्शन बैंड। ठीक है बेटा, अगर आवाज नहीं आ रही तो अपने लेवल पे चेक करिए कि केवल आप ही ने ऐसी रिपोर्ट की, मेरी तरफ से ठीक है ओके। तो और ये लेवल किसका ड्रॉ किया गया है? ये लेवल ड्रॉ किया गया है वैलेंस लेवल ऑफ द डोनर। वैलेंस लेवल ऑफ द डोनर यानी जैसे कि मान लीजिए कि आपने इसके अंदर फॉस्फोरस मिलाया, पेंटावेलेंट प्रोटीन मिलाई, तो उसका ये वैलेंस लेवल, इसीलिए इसको भी रेड कलर से ड्रॉ किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, जब भी मैं रेड कलर से ड्रॉ करूँ, चाहे वो बैंड ड्रॉ करूँ चाहे लेवल ड्रॉ करूँ, वो क्या होगा? वो वैलेंस को बिलोंग करता होगा। बैंड ड्रॉ करूंगा तो वैलेंस बैंड, लेवल ड्रॉ करूंगा तो वैलेंस लेवल होगा। तो ये फास्फोरस का है। ये जो फास्फोरस का लेवल होता है, जिसे हम अब डोनर लेवल आगे चल के कहेंगे, ये डोनर लेवल भी कंडक्शन बैंड की तरफ होता है, उसके क्लोज होता है। कितना क्लोज? तो देखिए, इनके बीच का जो गैप होता है वो सिलिकॉन के लिए 0.05 इलेक्ट्रोवोल्ट और जर्मेनियम के लिए तो उससे भी कम, 0.01 इलेक्ट्रोवोल्ट के आसपास होता है। जब भी मैं कोई वैल्यू बोलूं, आप हमेशा एनर्जी बैंड गैप से कंपेयर कीजिए। एनर्जी बैंड गैप जर्मेनियम के लिए कितना होता है? 0.7, और यहाँ क्या चल रहा है? 0.05 या 0.01। तो इतना क्लोज कंडक्शन बैंड के पास आ गए। ठीक, तो अब इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है? इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कंडक्शन बैंड में कंडक्ट करने के लिए पहुंच रहे हैं, तभी तो एन टाइप सेमीकंडक्टर कंडक्टिविटी कर पा रहा है। सो ये इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में, होल्स कहाँ क्रिएट हो रहे हैं? तो सबसे पहले आपकी नजर कहाँ जाएगी? वैलेंस बैंड में, कि वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में पहुंचेंगे। लेकिन आप जानते हैं कि दूरी वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड के बीच की दूरी यानी कि EC-EF ये ज्यादा है, तो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन के पहुंचने की संभावना कम है, थोड़े से पहुंचेंगे। जो थोड़े से पहुंचेंगे इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में, उसकी वजह से थोड़े से होल्स जनरेट होंगे वैलेंस बैंड में, और इनको क्या कहेंगे? इनको कहेंगे थर्मली जनरेटेड चार्ज कैरियर्स। इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हुए, इनको कहेंगे थर्मली जनरेटेड चार्ज कैरियर्स। ठीक है, और ये कम संख्या में होंगे, इसलिए क्या है, ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स है। तो ठीक है, कुछ होल्स वैलेंस बैंड में जमा हुए थोड़े से, और कुछ इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में। लेकिन कंडक्शन बैंड में वो थोड़े से इलेक्ट्रॉन से कंडक्शन होता ऐसा नहीं है एन टाइप सेमीकंडक्टर में। डोनर लेवल से भी काफी इलेक्ट्रॉन्स निकल के कंडक्शन बैंड में पहुंचते हैं। ठीक, तो यानी कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन के पहुंचने के दो सोर्स हो गए। एक होता है मेजॉरिटी सोर्स। मेजॉरिटी सोर्स कहाँ से आया, कहाँ से इलेक्ट्रॉन आया? डोनर लेवल से आया, जो फास्फोरस आपने मिलाया पेंटावेलेंट प्रोटीन, वहां से आया। और माइनॉरिटी सोर्स कहाँ से? जो वैलेंस बैंड से आया। तो कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा है, और वैलेंस बैंड में उनके कंपैरिजन में होल की संख्या बहुत कम है। क्यों? क्योंकि होल तो केवल माइनॉरिटी सोर्स की वजह से प्रोड्यूस हुए, जबकि कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी की वजह से तो प्रोड्यूस हुए ही, मेजॉरिटी सोर्स की वजह से भी प्रोड्यूस हुए। मेजॉरिटी सोर्स कौन से? डोनर लेवल। माइनॉरिटी सोर्स कौन सा? वैलेंस बैंड। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मोर इन द कंडक्शन बैंड इन कंपेरिजन टू द नंबर ऑफ होल्स इन द वैलेंस बैंड। ठीक, सो अब बैलेंस पॉइंट जिसे हम EF कहेंगे, वो किस तरफ खसक जाए? आप सोचिए, एक रॉड है, इस पे आपने वेट लटका रखा हुआ है, एक तरफ हैवी वेट है एक तरफ लाइट वेट है, तो क्या आप सेंटर में अपना पकड़े उस रॉड को तो बैलेंस बनेगा? नहीं बनेगा। आपको जिधर हैवी वेट है उधर की ओर हाथ अपना खसकाना पड़ेगा, तब बैलेंस बनेगा। दोनों तब बराबर वेट होते हैं, जैसे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हुआ था, होल्स जितने वैलेंस बैंड में उतने कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन, तो आप सेंटर में रख पाते थे, और तब आप कहते थे कि EF = EC + EV/2, क्योंकि दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन और होल की संख्या इक्वल थी। अभी क्या है, कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा है, वैलेंस बैंड में होल की संख्या कम है, इसलिए आपका जो बैलेंस पॉइंट है वो कंडक्शन बैंड की तरफ खसक जाएगा, इसलिए EF कंडक्शन बैंड की तरफ खसक जाएगा। कहाँ होगा? वो EC और ED के बीच में होगा। दैट द रीजन की EF EC के करीब पहुंच गए। आई होप कि आप एन टाइप सेमीकंडक्टर में ये बात आपको क्लियर हुई होगी। अब ऐसा ही डिस्कशन पी टाइप के लिए कर लें। ये इसके लिए एक्सप्रेशन है, वहां पे देखिए आपको याद होगा EC - EC + EV/2 कहते हैं, यहाँ पर EC - KBT log NC/ND है। ये एक्सप्रेशन आपको डिराइव करना है, बुक्स में आप देखकर इसको एक बार डेरिवेशन जरूर देख लीजिए। ओके, अब हम पी टाइप सेमीकंडक्टर के फर्मी लेवल की बात करें, बाकी साथ हमने डिस्कस किया हुआ है।
यहाँ भी पहले की तरह कंडक्शन बैंड है, वैलेंस बैंड है, लेकिन फर्मी लेवल जो है वो वैलेंस बैंड की तरफ खसक गया है। देखिए उल्टा, कंडक्शन बैंड की तरफ नहीं, वैलेंस बैंड की तरफ खसक गया है। और कितना खसक गया है वो आप देख ही रहा होगा, बहुत ही क्लोज आ गया है। और इसमें कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड, फर्मी लेवल डॉटेड लाइन से इसलिए दिखाते हैं कि वो एक कॉन्सेप्चुअल लेवल है, एक्चुअल लेवल नहीं है, कोई एटम नहीं है जिसका कि वो लेवल है, कॉन्सेप्ट है वो, है ना, एज ए बैलेंस पॉइंट, है ना। अब इसके अंदर एक और आपको लेवल नजर आ रहा होगा, ई ए, ब्लू कलर से नजर आ रहा है। ब्लू कलर से नजर आने का मतलब है कि ये कंडक्शन लेवल है, बैंड तो हो ही नहीं सकता, थिन सा है, तो कंडक्शन लेवल है जिसको हम क्या कहेंगे आगे चलकर, एक्सेप्टर लेवल कहने वाले हैं। क्यों इसको ब्लू कलर से ड्रॉ किया, नंबर एक, नंबर टू, ये वैलेंस बैंड के करीब क्यों है और इसे एक्सेप्टर लेवल क्यों कह रहे हैं। ये एक्चुअली ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी का कंडक्शन लेवल है। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड, ये तो जर्मेनियम के हैं, अगर आप जर्मेनियम एग्जाम्पल में लेके चल रहे हैं, या सिलिकॉन के हैं, ठीक है, अगर सिलिकॉन एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं। लेकिन ये जो एक्सेप्टर लेवल है, जो एक लाइन ड्रॉ की हुई है, ये सिलिकॉन या जर्मेनियम का नहीं, ये इम्प्योरिटी का है। और इम्प्योरिटी का क्या है, क्या ये इनर लेवल है, नहीं, क्या ये वैलेंस लेवल है, नहीं, ये वैलेंस लेवल के बाद जिस लेवल में इलेक्ट्रॉन जाए तो कंडक्ट कर सके वो लेवल है, यानी कि ये है कंडक्शन लेवल ऑफ द इम्प्योरिटीज, ठीक है। तो ये एक्सेप्टर का, ये एक्सेप्टर यानी कि इम्प्योरिटीज की बात कह रहे हैं। एक सवाल पूछा, मैं इसके बेटा भी जवाब देता हूँ की तरफ है, और इसको हम एक्सेप्टर लेवल कह रहे हैं। क्यों एक्सेप्टर लेवल कह रहे हैं, अभी हम बात करते हैं। तो ये ध्यान रखिए कि ये जो लेवल ड्रा है ये इम्प्योरिटी का है, ट्राई वैलेंट इम्प्योरिटी का, जैसे कि एल्यूमिनियम है ना, उसका ये है। तो अब क्वेश्चन ये है कि एक सर, ई एफ तो ई डी की तरफ, ई एफ तो ई डी, ई डी कहाँ बेटा, ये तो ई डी की तरफ शिफ्ट है, एन टाइप में, हाँ एन टाइप में, अगर ये पीछे से आपका क्वेश्चन पूछ रहे हैं अगर आप, तो ये बेटा एन टाइप में था, ठीक है। और अब हम बात कर रहे हैं पी टाइप, पी टाइप सेमीकंडक्टर की बात कर रहे हैं, तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में जो है ई एफ जो है वो ईवी की तरफ शिफ्ट है। ईडी में समझ नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि ईडी तो, अच्छा डोनर लेवल की बात कर रहे हैं, मैं एक मिनट उस फिगर को मैं दोबारा वापस आता हूँ, मैं चलो इसको एक मिनट रोक देता हूँ, इसको इनका सवाल का जवाब दे दूँ, फिर मैं बात करता हूँ। ये कह रहे हैं कि ई एफ ई डी की तरफ शिफ्ट है, यस यू आर राइट, हाँ आपने अच्छा नोटिस किया कि ई एफ भी जो है ई सी और ई डी के बिल्कुल बीच में नहीं है, बिल्कुल बीच में नहीं, थोड़ा सा ई डी की तरफ झुका हुआ है, हाँ ये यस यू आर राइट। इसकी वजह क्या है, ऑल्दो लेवल, चूंकि इम्प्योरिटी की मात्रा बहुत कम होती है, 1 इन 1 मिलियन या 1 इन 10 मिलियन हम जानते हैं, तो लेवल तो थिन सा होगा, बैंड थिक सा होगा, ठीक है। कायदे से हमें यहाँ पे इस तरह से इस बात को समझना चाहिए कि ई एफ बैलेंस पॉइंट है जिसके एक तरफ बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं, किसमें है, कंडक्शन बैंड में, ठीक, और दूसरी तरफ होल्स हैं, कहाँ कहाँ हैं, वैलेंस बैंड में है, जो कि वैलेंस बैंड आप देख रहे हैं थिक सा है, और एक लेवल है ईडी उसमें भी है। तो इस तरफ दो जगहों पर होल्स क्रिएट हो रहे हैं, इस कारण दो जगहों, केवल वैलेंस बैंड में नहीं, डोनर लेवल में भी, तो डोनर लेवल से इलेक्ट्रॉन उठ के कंडक्शन बैंड में गया है, इसका नाम, इसीलिए इसका नाम ही डोनर, डोनर ने ही दिया है कंडक्शन को, तो डोनर में भी होल क्रिएट होंगे, लेकिन एक लेवल है, ठीक है। इस वजह से ई एफ जो है थोड़ा सा ई सी और ई डी के एकदम बीच में ना होकर, एकदम बीच में ना होकर ई डी की तरफ थोड़ा सा खसका होता है। तो वो करेक्ट, अपने जब मैंने फिगर बनाया था उसको मैंने ध्यान भी दिया था, रिवाइज किया इस फिगर को, और आप भी इस बात को ध्यान, ठीक है, कारण मैंने अभी बता ही दिया। वापस पी टाइप सेमीकंडक्टर पे वापस आते हैं, यहाँ भी वो बात डिस्कस कीजिए कि देखिए ई एफ जो है वो ई ए की तरफ खसा हुआ है, ई एफ ई ए और ई वी के बिल्कुल बीचों बीच नहीं है, कारण अभी देखिए आप समझ जाएंगे। कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन पहुंच रहा है, और कहाँ से पहुंच रहा है, तो हम पहले की तरह कहेंगे वैलेंस बैंड से पहुंच रहा है। कितना पहुंच रहा है, बहुत थोड़ा सा पहुंच रहा है, क्यों, क्योंकि ये थर्मली जनरेटेड चार्ज कैरियर है, और टेम्परेचर मान लीजिए रूम टेम्परेचर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा संख्या में नहीं जाएंगे, तो जो कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन पहुंचा वो क्या है, वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, ठीक,
आपको याद होगा पी टाइप में इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं, तो कंडक्शन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे हैं वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है। तो वैलेंस बैंड से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन बाकी के इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहे हैं, तो क्या वो जा रहे हैं एक्सेप्टर लेवल में, यानी कि मोस्टली इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से निकल के एक्सेप्टर लेवल में जा रहे हैं और थोड़े से इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में पहुंच रहे हैं, मोस्टली एक्सेप्टर लेवल में क्यों जा रहे हैं, क्योंकि एक्सेप्टर लेवल इज क्वाइट क्लोज टू द वैलेंस बैंड। कितना क्लोज, वैल्यू देखिए गिवन है सिलिकॉन के लिए 0.03 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जर्मेनियम के लिए 0.01, तो सोचिए 0.7 इलेक्ट्रोवोल्ट जितनी एनर्जी प्राप्त करके वैलेंस बैंड को कंडक्शन बैंड में जाना वो आसान है, या सिर्फ 0.01 इलेक्ट्रोवोल्ट प्राप्त करके वैलेंस बैंड से एक्सेप्टर लेवल में जाना आसान है। तो ऑब्वियसली एक्सेप्टर लेवल में जाना आसान है, तो वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में थोड़ी मात्रा में जा रहे हैं और अधिक मात्रा में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर लेवल में जा रहे हैं और यहाँ इलेक्ट्रॉन की संख्या है। तो इस वजह से वैलेंस बैंड में होल क्रिएट हो रहे हैं, पर क्या वैलेंस बैंड में होल जो क्रिएट हो रहे हैं कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन के बराबर हो रहे हैं? नहीं, वैलेंस बैंड में होल ज्यादा क्रिएट हो रहे हैं, काफी ज्यादा क्रिएट हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के ना केवल कंडक्शन बैंड में जाते हैं बल्कि एक्सेप्टर लेवल में भी जाते हैं, इसलिए नंबर ऑफ होल्स इन वैलेंस बैंड इज क्वाइट लार्ज देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड। तुमने क्वेश्चन पूछा बेटा, मैं क्वेश्चन थोड़ी देर में रुक के ले लेता हूँ। फर्मी लेवल का नाम बेटा ऑब्वियसली बहुत ही साइंटिस्ट फेमस हुए हैं, फर्मी, एनरिको फर्मी उनका पूरा नाम था, तो उनके नाम पे लिया हुआ है, ठीक है, क्योंकि ये क्वांटम कॉन्सेप्ट है और क्वांटम में एनरिको फर्मी का बहुत काम है, ये क्वांटम का कॉन्सेप्ट है और क्वांटम फिजिक्स भी आप पढ़ रहे हैं। ओके, सो दिस वॉज एक्सेप्टर लेवल, इसीलिए चूंकि ये एक कंडक्शन लेवल है इसलिए इसको हम ब्लू कलर से दिखा रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं क्योंकि हमारा समय आधा जैसा हो चुका है। तो यहाँ जो एक्सप्रेशन होगा वो ई एफ इजिकल टू ई वी, याद होगा वहाँ ई सी था, याद कीजिए यहाँ ई वी हो गया, ई वी प्लस के बी टी लॉग एन वी बाई एन ए, वहाँ एन डी था इसके पहले जब एन टाइप सेमी कंडक्टर डिस्कस कर रहे थे। ये दो एक्सप्रेशन आपको डिराइव करना है कैरियर कंसंट्रेशन फर्मी लेवल के बारे में, ठीक। अब आज का हिस्सा जो हम डिस्कस करना चाहते थे, थोड़ा हमें पुराना आपको बच्चों की रिक्वेस्ट आई थी इसलिए मैंने इसको डिटेल डिस्कस किया, वो है ड्रिफ्ट करंट एंड बात पर बात करेंगे डिफ्यूजन करंट। देखिए क्या होता है कि सेमीकंडक्टर में खासतौर पर इवन कंडक्टर्स में भी होता है, इलेक्ट्रॉन मान लीजिए कि एक एक मान लीजिए आपने सेमीकंडक्टर का एक पीस लिया और उसके अक्रॉस आपने पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया, यानी कि इसको बैटरी से जोड़ दिया, एक सिरे को पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी, दूसरे सिरे को नेगेटिव टर्मिनल बैटरी से, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो शुरू हो जाएगा। आप कहेंगे कि हमने भाई एक इलेक्ट्रिक फील्ड या वोल्टेज अप्लाई किया है, इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना चाहिए, एक तरफ से दूसरी तरफ फिर फ्लो करना चाहिए। पर क्या इलेक्ट्रॉन एक सीधी रेखा में स्ट्रेट लाइन में चलता हुआ पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ चला जाएगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव भी चार्ज होता है तो उसे पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाना है, तो क्या वो राइट टू लेफ्ट एक सीधी रेखा में जाएगा? जवाब नहीं, नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जिन एटम से जिस एटम से अलग हुआ है, जिस एटम से लिबरेट हुआ है, अलग हो गया है ना, फ्री हुआ है या फ्री इलेक्ट्रॉन बना है, वो एटम आयन में कन्वर्ट हो गए और आयन के पास ऑब्वियसली पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। सो क्या होगा कि जब वो आगे की ओर बढ़ेगा तो समझिए इसको एक भीड़ भरा रास्ता मिलेगा, है ना। तो भीड़ भरे रास्ते में अगर आप तेजी से दौड़ने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है कि आप दूसरे से टकराने की संभावना हो जाती है, आप एटम से टकरा सकते हैं, आप आयन से टकरा सकते हैं, ठीक है। वो अलग बात है कि जब आयन के बहुत क्लोज आते हैं तो रिपल्सिव फोर्स लग जाता है, तो आपका जो पाथ है वो स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, लेकिन आप उस तरफ की ओर मतलब पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ शिफ्ट होते रहेंगे, लेकिन सीधी रेखा में। तो ये जो शिफ्ट होते रहते हैं वो तो सीधी रेखा में नहीं शिफ्ट हो पाते हैं, शिफ्ट इसलिए हो रहे हैं क्योंकि हमने पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर रखा हुआ दोनों टर्मिनल के पीछे, तो इस वजह से वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ इलेक्ट्रॉन जाएगा ही जाएगा, सीधी रेखा में नहीं जा रहा तो जिगजैग पाथ करता हुआ जाएगा, पर अल्टीमेटली उसका जो मोटिव होगा वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ ही जाने का होगा, उसी तरह मोटिवेटेड होगा, ठीक है। सो ये जिगजैग पाथ में जाना क्या इसको आप अवॉइड कर सकते हैं? नहीं, आप अवॉइड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वोल्टेज अप्लाई करने से कोलिजन नहीं रुक सकता। हाँ, इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन करता हुआ एक तरफ की ओर ड्रिफ्ट कर सकता है, तो इस तरीके से जो ड्रिफ्टिंग हो रही है, इस ड्रिफ्टिंग की वजह से जो करंट कॉन्स्टिट्यूट हो रही है उसको हम बोलते हैं ड्रिफ्ट करंट, ठीक। जब ड्रिफ्ट करंट की बात कर ली तो कुछ टर्म हम डिफाइन करने चाहेंगे,
है ना, कि ये जो ड्रिफ्ट करेगा एक तरफ, इलेक्ट्रॉन हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ ड्रिफ्ट जो करेगा, होल जो होगा वो नेगेटिव टर्मिनल की तरफ ड्रिफ्ट करेगा, सेमी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन होल दोनों ही होते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अप्लाइड वोल्टेज और इलेक्ट्रिक फील्ड। सो कुछ इसकी स्पीड होगी, उस स्पीड को क्या बोलेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, एंड दिस ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड, ई के प्रोपोर्शनल होगा। इक्वल करना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, एक कांस्टेंट आ जाएगा जिसको कहेंगे म्यू, एंड दिस म्यू इज द मोबिलिटी। मोबिलिटी कैसे डिफाइन करेंगे भी आगे बात करते हैं। सो वेलोसिटी के लिए दो एक्सप्रेशन बना लीजिए, एक इलेक्ट्रॉन के लिए वी एन, एन इज द सफिक्स है ना, एन फॉर नेगेटिव, यानी इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, वी एन इज इक्वल टू म्यू एन ई है ना, म्यू एन क्या हो गया, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, इसे हम मोबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन कहेंगे। इसी तरीके से होल्स की ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगी, तो वी पी इज इक्वल टू म्यू पी ई, वेयर म्यू पी इज द मोबिलिटी ऑफ होल्स। यहाँ पे ई क्या है, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, आगे बढ़े, ड्रिफ्ट वेलोसिटी अगर आपको पता लग गई तो आप करंट डेंसिटी निकाल सकते, इसको यहाँ पे ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी कहेंगे। फिर इलेक्ट्रॉन के लिए करंट डेंसिटी क्या हो जाएगी, आप जानते हैं क्या होता है, एन ई वी, फॉर्मूला आपको याद होगा एन ई वी, तो एन ई तो ऐसे रहने दीजिए, और वी अभी आपने फॉर्मूला बनाया है, इलेक्ट्रॉन के लिए वी एन सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, तो जे एन विच इज ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी इज इक्वल टू ई एन म्यू एन ई। ई आप जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड है, म्यू एन जानते हैं मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड ई इज द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। इसी तरीके से होल्स के लिए JP इज इक्वल टू EP म्यू PE। ई समझ गए आप, म्यू पी मोबिलिटी ऑफ द होल्स, P इज द नंबर ऑफ होल्स एंड E द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे E क्यों रख रहे हैं, होल के लिए कुछ तो आप जानते हैं कि चार्ज इक्वल एंड अपोजिट होता है, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज, सो दिस इज द ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी ड्यू टू होल्स। तो दोनों के लिए अब हो गया, अब बात कर रहे हैं अगला कि टोटल करंट डेंसिटी फिर कितनी होगी। तो टोटल करंट डेंसिटी जे विल बी सम ऑफ दिस टू, ड्रिफ्ट करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन, ड्रिफ्ट करंट ड्यू टू होल, जे एन प्लस जे पी, दोनों को टर्म को आप सम कर दीजिए। आप जानते हैं स्मॉल ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और कैपिटल ई दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड इज कॉमन, उसे आप कॉमन ले लीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से वैल्यू आ जाएगी। अगर मान लीजिए इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता तो क्या होता, एन इज इक्वल टू पी हो जाता, तो हम एन भी कॉमन ले लेते है ना। हाँ, लेकिन म्यू एन इक्वल टू म्यू पी नहीं होता, मोबिलिटी अलग अलग होती है। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो कंडक्शन बैंड में फ्लो करता है जहां पर कोई आयन और एटम नहीं होता, और होल कहाँ पे फ्लो करता है, वैलेंस बैंड में, और वैलेंस बैंड में आप जानते हैं सब होते हैं। सो मोबिलिटी कभी म्यू एन और म्यू पी की इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में भी सेम नहीं होने वाली। अब आखिरी काम है ना, जरा मोबिलिटी को डिफाइन कर लेते हैं। अब इतना अर्थ को डिराइव करने के बाद मोबिलिटी डिफाइन करना मुश्किल नहीं है। द एबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन टू मूव थ्रू अ मेटल और सेमीकंडक्टर इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी। यहाँ ध्यान दीजिए, जब इलेक्ट्रॉन के लिए मोबिलिटी डिफाइन की गई है तो कंडक्टर और सेमीकंडक्टर दोनों ले लिया गया है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो कंडक्टर में भी फ्लो करता है, मेटल्स में भी और सेमीकंडक्टर में भी। लेकिन जब होल के लिए डिफाइन कर रहे हैं तो कैसे करें, द एबिलिटी ऑफ एन होल टू मूव थ्रू अ सेमीकंडक्टर इन द प्रेजेंस ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड होल मोबिलिटी म्यू पी है ना। यहाँ सिर्फ सेमीकंडक्टर, तो होल जानते हैं सिर्फ सेमीकंडक्टर में ही फ्लो करता है। ओके, फाइन, अब जरा आगे डिस्कस करते हैं डिफ्यूजन करंट। ये दो तरह के करंट की बात हो रही है। डिफ्यूजन करंट आप जानते हैं कि जब भी कोई इवन गैस के बारे में आपको हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ाया है, जब गैस मॉलिक्यूल के बारे में बात की थी, कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन रीजन की तरफ जाने को डिफ्यूजन कहते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर किसी कौन सी चीज इधर से उधर जाएगी, दैट इज चार्ज कैरियर, दैट इज इलेक्ट्रॉन और होल, सेमीकंडक्टर के अंदर दोनों ही होते हैं, वो हायर कंसंट्रेशन एरिया से लोअर कंसंट्रेशन एरिया तक जाएंगे। सो इस घटना को बोलेंगे डिफ्यूजन, और इस मोशन की वजह से चार्ज इन मोशन हो गया ना इलेक्ट्रॉन एंड होल ड्यू टू द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, हायर कंसंट्रेशन एक तरफ है कहीं लोअर कंसंट्रेशन है, ड्यू टू द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ये जो मोशन हो रहा है दैट विल कॉज दैट विल कॉन्स्टिट्यूट करंट, एंड दैट करंट इज नोन एज डिफ्यूजन करंट, इसको हम डिफ्यूजन करंट कहेंगे, क्योंकि चार्ज इन मोशन हो जाएगा तो करंट फॉर्म करता है, तो करंट बनाएगा डिफ्यूजन करंट। अब यहाँ भी डिफ्यूजन करंट दो तरह के होंगे, इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से, होल के फ्लो की वजह से, ठीक है। क्वेश्चन एक यहाँ पे अराइज होता है कि
क्यों ऐसा होता है कि कहीं पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है कहीं कम, मतलब कंसंट्रेशन कहीं हायर कहीं लोअर होता ही क्यों है भाई? जहां पे आप डोपिंग करेंगे उस जगह पे तो कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगा, और जिस एरिया में डोपिंग नहीं करेंगे वहां लोअर कंसंट्रेशन हो जाएगा। तो जो डोपिंग की, मान लिया आपने पेंटावेलेंट डोपिंग करी, इलेक्ट्रॉन की संख्या में बढ़ोतरी हुई किसी एक रीजन में, तो वो जो इलेक्ट्रॉन पेंटावेलेंट की इम्प्योरिटी वजह से बढ़े, जहां कम है उस तरफ की ओर डिफ्यूज हो गए, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन पर जाएंगे, जैसा कि आप अब देख पा रहे होंगे इस स्लाइड में देख पा रहे हैं। इसमें दो फिगर दिखाई गई, एक बिफोर इक्विलिब्रियम, एक आफ्टर इक्विलिब्रियम। ठीक है, बिफोर इक्विलिब्रियम क्या हो रहा कि आप देख रहे होंगे कि लेफ्ट साइड में इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन ज्यादा है, राइट साइड में कम है। तो एक तरफ लिखा है हायर कंसंट्रेशन या एक तरफ लिखा है लोअर कंसंट्रेशन जोन। तो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, हायर कंसंट्रेशन जोन से लोअर कंसंट्रेशन जोन की तरफ जा रहे हैं। थोड़ी देर बाद आप अगर देखें तो पूरे रीजन में यूनिफॉर्म कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो ये क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ डिफ्यूजन। इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से डिफ्यूजन करंट फॉर्म करेगा। ओके, तो ये सब मैं डिस्कस कर चुका हूँ, डिफ्यूजन करंट और एन टाइप में कैसा होगा और पी टाइप में कैसा होगा। एन टाइप में पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी की वजह से होगा इलेक्ट्रॉन का फ्लो, और पी टाइप से कंडक्टर में ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी की वजह से होगा होल्स का फ्लो। ठीक है, अब हम दो टर्म को डिफाइन करना चाहते हैं, जैसे वहां पे ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी डिफाइन किया था, यहाँ क्या डिफाइन करें, डिफ्यूजन करंट डेंसिटी किस चीज के प्रोपोर्शनल होता है। आप याद कीजिए फर्स्ट ईयर में भी उन्होंने बताया था, ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के प्रोपोर्शनल होता है डिफ्यूजन करंट डेंसिटी। ठीक है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट यानी dN बाई dx इसके प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, और चूंकि चार्ज की बात हो रही है, सॉरी करंट की बात हो रही है, तो ऑब्वियसली E का टर्म तो आ ही जाएगा, E का टर्म आएगा। और जब आप इक्वल करेंगे तो क्या आएगा, एक कांस्टेंट आएगा जिसके कहेंगे डी, कैपिटल डी। कैपिटल डी क्या है, डिफ्यूजन कोफिशिएंट। ठीक है, सो इलेक्ट्रॉन के लिए फिर एक अलग डिफाइन कर लें, होल के लिए अलग डिफाइन कर लें। पहला देखिए JN, डिफ्यूजन करंट डेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रॉन, JN इज इक्वल टू प्लस eDN dN बाई dx, dN बाई dx इज द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, dN कैपिटल dN इज द डिफ्यूजन कोफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड e इज द चार्ज आउट। अब डिफाइन करें डिफ्यूजन करंट डेंसिटी ड्यू टू होल्स, JP, वो कैसे डिफाइन करेंगे, JP इज इक्वल टू माइनस eDP dP बाई dx। ठीक है, तो कैपिटल dP है स्मॉल dP, ध्यान रखिएगा dP बाई dx इज कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ऑफ होल, एंड कैपिटल dP क्या है, डिफ्यूजन कोफिशिएंट्स ऑफ होल्स, e अगेन चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि आप जानते हैं होल और इलेक्ट्रॉन के पास सेम अमाउंट ऑफ चार्ज होता है। ओके, सो अब टोटल करंट डेंसिटी क्यों क्या होगी इलेक्ट्रॉन के लिए या होल के लिए, तो सम ऑफ दिस टू, ड्रिफ्ट करंट प्लस डिफ्यूजन करंट। ड्रिफ्ट करंट के लिए एक्सप्रेशन पहले हम निकाल चुके हैं, डिफ्यूजन के लिए निकाल चुके हैं, तो JN के लिए अब ये एक्सप्रेशन हो जाएगा जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं इसको रिपीट नहीं कर रहा हूँ, बस ये ध्यान रखिएगा ड्रिफ्ट करंट प्लस डिफ्यूजन करंट। यही बात आप होल्स के लिए कह सकते हैं कि ड्रिफ्ट करंट प्लस डिफ्यूजन करंट। ठीक है, तो ये दो हो जाएगा। सो टोटल करंट डेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रॉन एंड होल्स दोनों मिलाकर क्या हो जाएगा, J इज इक्वल टू JN प्लस J। सो दिस वाज द करंट डेंसिटी। सो दिस वाज ऑल अबाउट द सेमीकंडक्टर, मुझे जो पढ़ाना था मैंने आपको बताया, आपको असाइनमेंट दिया है कई सारे डेरिवेशन, मैथमेटिक्स का प्रेजेंटेशन डेरिवेशन आप बड़े आसानी से कर सकते हैं। सो मैं अपना प्रेजेंटेशन आज का यहीं समाप्त करता हूँ।